अयोध्या केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मामले में मध्यस्थता की पहल करते हुए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता जस्टिस खलीफुल्ला करेंगे और इस पैनल में जिन और दो सदस्यों के नाम हैं, वे हैं श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पाचू। एक हफ्ते के भीतर ही मध्यस्थता की पहल शुरू करनी होगी और 8 हफ्तों में इस मामले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश भी करनी है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 लोगों को मध्यस्थता के लिए चुना है वे कौन हैं। जस्टिस खलीफुल्ला का पूरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला है। जस्टिस खलीफुल्ला की अध्यक्षता में ही पैनल बनाया गया है। खलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। 23 जुलाई 1951 में खलीफुल्ला का जन्म तमिलनाडु के कराईकुडी में हुआ था। 20 अगस्त 1975 में खलीफुल्ला ने वकालत से अपने करियर की शुरुआत की थी। फरवरी 2011 में वे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सदस्य बने और 2 महीने बाद ही वे कार्यकारी चीफ जस्टिस बना दिए गए। सितंबर 2011 में खलीफुल्ला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सदस्य चुने गए। वहीं 2 अप्रैल 2012 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज भी चुना गया। 22 जुलाई 2016 में जस्टिस खलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हो गए थे। 67 साल के खलीफुल्ला का नाम इस मामले में मध्यस्थ के रूप में आने पर किसी भी पक्ष ने कोई भी आपत्ति अभी तक नहीं जताई है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को भी मध्यस्थ के रूप में चुना गया है। 13 मई 1956 में तमिलनाडु में पैदा हुए श्री श्री रविशंकर का नाम आर एस वेंकट रत्नम था। रविशंकर ने बेंगलोर यूनिवर्सिटी के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ साइंस से ग्रेजुएशन की है। महर्षि महेश योगी के संपर्क में आकर उन्होंने जीवन में अध्यात्म को अपना लिया और वैदिक साइंस का ज्ञान लोगों को देने लगे। देश और विदेशों में आध्यात्मिक गुरु के रूप में विख्यात श्री श्री रविशंकर पहले भी मामले में मध्यस्थ बनकर मामला सुलझाने के लिए आगे आ चुके हैं। अयोध्या विवाद को लेकर उनके कुछ बयान भी सुर्खियां बटोर चुके हैं। श्री श्री रविशंकर का नाम मध्यस्थ के रूप में आगे आने से निर्मोही अखाड़े ने आपत्ति जताई है। निर्मोही अखाड़े का कहना है कि श्री श्री रविशंकर किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, ऐसे में उनका नाम मध्यस्थ के रूप में आगे आना गलत है। मामले में मध्यस्थ के रूप में तीसरा नाम श्री राम पांचू का है। श्री राम पांचू वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ मेडिटेशन गुरु भी हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। पांचू कई विवादों में पहले भी मध्यस्थता कर चुके हैं। असम और नागालैंड के बीच जमीन विवाद हो या मुंबई में पारसी कम्युनिटी के डिस्प्यूट का केस, पांचू ने इन्हें निपटाने में अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट में भी मध्यस्थता की है। मामले में मध्यस्थ के रूप में श्री राम पांचू का नाम सामने आने से किसी भी पक्ष ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। पैनल को 8 सप्ताह में बातचीत करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी होगी। मामले में मध्यस्थता को लेकर हिंदू महासभा राजी नहीं है तो वहीं मुस्लिम पक्ष कोर्ट के इस फैसले के हक में है। हिंदू पक्ष में सिर्फ निर्मोही अखाड़ा ही मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार है। मामला सांप्रदायिक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी शांति से इसका समाधान चाहता है।